ये पॉइंट बहुत बढ़िया आपने बोला है उज्जवल, और इसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। यूजली क्या होता है, लोग जब मॉक देते हैं तो वो देखते हैं हमारा कौन सा, और मॉक की एनालिसिस आप कैसे किया, टीयर टू के जो मॉक्स होते थे आप देते थे जब, उसके एनालिसिस का प्रोसेस क्या था आपका? सर एनालिसिस में एक एक क्वेश्चन को दोबारा देखता, मतलब एक बार देखता जरूर था, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि तुक्के में क्वेश्चन ठीक हो जाता है, मैंने सिर्फ या फिर मैंने कॉन्सेप्ट कुछ और सोचा था, कॉन्सेप्ट लगना कुछ और था और मेरा आंसर भी ठीक हो गया, तो जब तक मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊँगा मेरे को पता नहीं चलेगी वो चीज़। तो मैं एक बार स्क्रॉल जरूर करता था हर एक क्वेश्चन, सिर्फ मैं वो क्वेश्चन नहीं देखता था जो मैंने स्किप किए हैं या फिर मार्क किए हैं या फिर गलत हुए हैं, मैं वो क्वेश्चन भी देखता था जो मेरे ठीक हुए हैं, एक बार मतलब देखता जरूर था उनको। ये पॉइंट बहुत बढ़िया आपने बोला है उज्जवल, और इसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। यूजली क्या होता है, लोग जब मॉक देते हैं तो वो देखते हैं हमारा कौन सा गलत गया और कौन सा हमने अटेम्प्ट नहीं किया हाँ है, जी लेकिन जो हमने किया भी है उसमें भी क्या पता कोई चीज़ गलती से सही हुई हाँ है, जी उसको रिव्यू करना ज़रूरी जी है, जी या जो हमने किया उसका सोल्यूशन हमारा लंबा हो सकता है उसको भी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए जी। बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं एनालिसिस पर नहीं लगाता था यूजुअली, लेकिन कभी कभी पेपर अलग आ गया, नंबर कम आ गए, तभी ज़्यादा टाइम लगता था, वरना मतलब हाफ एन आवर और 40 मिनट्स में हो जाती थी एनालिसिस कंप्लीट।